बिहार राजनीति की सरगर्मी तेज है, चुनाव प्रचार चरम पर है। कोरोना काल में देश में हो रहा है यह पहला चुनाव है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में समीकरण भी पिछले चुनाव से अलग है। सीएम नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ हैं, जबकि 2015 में लालू नीतीश की जोड़ी बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी की लहर को रोकने में कामयाब रही थी। इस चुनावी माहौल में बिहार राजनीति से जुड़ी कुछ पुरानी बातें जरूरी हैं। लेकिन 1966 में इंदिरा गांधी ने रुपये का अवमूल्यन किया, उनके इस फैसले का जोरदार विरोध हुआ और देश में राजनीतिक माहौल उनके खिलाफ होने लगे। हालांकि 1967 के लोकसभा चुनाव के बाद इंदिरा गांधी दूसरी बार देश की प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त चुनौती मिली और केरल, पंजाब, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस की कमर टूट गई थी। साल 1967 में बिहार में चौथा विधानसभा चुनाव हुआ। इस चुनाव में पहली बार कांग्रेस को बहुमत नहीं मिली। इससे पहले हुए तीनों चुनावों में कांग्रेस को बहुमत मिली थी। इस विधानसभा चुनाव में अविभाजित बिहार में कुल 318 सीटों में से कांग्रेस को 128 सीटों पर जीत मिली थी। साल 1967 के चुनाव में 128 सीट जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी जरूर थी, मगर बहुमत में नहीं। इसके बाद पार्टी में विधायक दल के नेता का चुनाव हुआ। इस चुनाव में महेश प्रसाद को एक वोट ज्यादा मिले और उन्होंने विनोदानंद झा को शिकस्त दी। कहा जाता है कि चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस अंदरूनी कलह की शिकार थी। कांग्रेस के ही दो बड़े नेताओं ने तत्कालीन राज्यपाल अनंत शयनम पर दबाव बनाया था कि अगर महेश बाबू को सरकार बनाने का न्योता दिया गया तो कांग्रेस के 32 विधायक पार्टी छोड़ देंगे। इसलिए राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाया। फिर उस समय की विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गईं और सरकार बना लिया। हालांकि कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी और उसके नेता थे कर्पूरी ठाकुर और उनकी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी बनती थी, लेकिन अन्य पार्टियां तैयार नहीं हुई। ऐसे में महामाया प्रसाद सिन्हा के नाम पर सभी दल सहमत हो गए। पार्टी के अकेले विधायक होने के बाद भी महामाया प्रसाद मार्च 1967 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, जबकि कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टी की सरकार बनी और कोई गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। ये मिलीजुली सरकार 33 सूत्री न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर चल रही थी। महामाया की सरकार बनते ही राज्य सूखे और बाढ़ की चपेट में आ गया। इसमें सूबे की हालत खराब हो गई। हालांकि मिलीजुली सरकार के मंत्रियों ने इस संकट का कड़ी मेहनत और ईमानदारी से सामना किया और काबू भी पा लिया। इसके बाद इस सरकार की तारीफ भी हुई, लेकिन भले ही बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बन जरूर गई मगर चल नहीं पाई और साल भर के अंदर गिर गई। लाइव सिटीज से मैं शादाब मलिक, देखते रहे हमारा वीडियो, हम देते रहेंगे बिहार राजनीति से जुड़ी जानकारियां। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ ही Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।